क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को तो वहां से गाइड करता है आरएसएस, तो ये उनके जो गाइड करने वाले जो कंट्रोल टावर हैं वहां से ये खबर चला कि अब आरक्षण व्यवस्था पर पुनर्विचार की जरूरत। 1979 में उनका क्या हासिल हुआ? इस भारतीय जनता पार्टी को उस समय का जनसंघ था, उस समय भारतीय जनता पार्टी नहीं, उस समय जनसंघ था, और जनसंघ के लोगों ने जननायक कर्पूरी ठाकुर से समर्थन वापस लेके उनको मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया। नमस्कार, द बिहार टॉप देख रहे हैं। इस समय बिहार में लगातार भाजपा और महागठबंधन नेताओं के बीच राड़ छिड़ी है, एक दूसरे के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप है वो लगाए जा रहे हैं। आपने देखा कल ही पटना के गांधी मैदान में भाजपा विरोधी का गतिविधि को लेकर जो है जदयू ने धरना प्रदर्शन दिया, राज्य के अलग अलग हिस्सों में धरना प्रदर्शन देखने को मिला। तो आज जदयू कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह गुस्से में नजर आए, उन्होंने भाजपा नेताओं को टारगेट किया। उन्होंने कहा कि ये सरकार जो है केंद्र में बैठी ये आरक्षण विरोधी है, जनता को ठगने का काम कर रही है, कई तरह के संगीन बात ललन सिंह ने इन वीडियो में कहा है। क्या कुछ कह रहे हैं हम पहले आपको वो सुना देते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को तो वहां से गाइड करता है आरएसएस, तो ये उनके जो गाइड करने वाले जो कंट्रोल टावर हैं वहां से ये खबर चला कि अब आरक्षण व्यवस्था पर पुनर्विचार की जरूरत है। पूरे देश में कहीं है क्या अति पिछड़ा वर्ग? नहीं, बिहार में। और ये किसकी देन है, किसने दिया? जननायक कर्पूरी ठाकुर जी। पहली बार जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने 1978 में अति पिछड़े वर्ग को चिन्हित किया और राज्य सरकार की नौकरी में आरक्षण किया, तब से अति पिछड़ा वर्ग का। और 2005 में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने तब उन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सपनों को आगे बढ़ाया और उस सपने को सर जमीन पर धरातल पर उन्होंने उतारा। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने 78 में आरक्षण दिया, 79 में क्या हुआ उनका हासिल क्या किया? 1979 में उनका क्या हासिल हुआ? इस भारतीय जनता पार्टी को उस समय का जनसंघ था, उस समय भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, उस समय जनसंघ था, और जनसंघ के लोगों ने जननायक कर्पूरी ठाकुर से समर्थन वापस लेके उनको मुख्यमंत्री के पद से हटा देने का, इसलिए तो उन्होंने 1978 में अति पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया। तो ये इनका चरित्र, कहीं से भी इनको आरक्षण से कोई लेना देना नहीं। 2005 में जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने तो हम उस समय प्रदेश अध्यक्ष जी थे, जहां आज उमेश कुशवाहा जी हैं वहां हम थे। तो ललन सिंह को आपने सुना, काफी आक्रामक अंदाज से आज बोलते नजर आए। मौका था आरक्षण विरोधी कार्यक्रम के बाद अपने नेताओं को संबोधित करने का, तो जब जदयू कार्यालय में पहुंचे थे मोकामा गोपालगंज सीटों पर उपचुनाव को लेकर क्या रणनीति बननी है, किस तरीके से प्रचार किया जाए, इन सबों पर भी विचार हुआ। और उसके बाद उन्होंने साफ तौर से नगर निकाय चुनाव रद्द होने पर भी कहा कि देखिए ये सब जो है आरक्षण विरोधी कार्य भाजपा के लोग कर रहे हैं और ये बात पूरे देश को पता है, जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। तरह तरह की बातें ललन सिंह के द्वारा कहा गया, हम आपने आपको उन बातों से भी रूबरू कराया। आप हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।